हेलो गाइस, हाउ आर यू। जैसे कि पता है आप सबको, आइल्स के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। दो एग्ज़ाम्स हो गए हैं, ठीक है। अब 24 जून को एग्ज़ाम है, ठीक है। 19th को भी है, उसकी प्रेडिक्शन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके, ठीक है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ 24 जून एग्ज़ाम की प्रेडिक्शन, जिसमें लिसनिंग का लेवल ईजी टू मॉडरेट रहने वाला है, ठीक है। पार्ट वन में आपके फिलअप्स ही आएंगे, पार्ट टू में मैप, चूज द करेक्ट आंसर या फिर MCQ आ सकते हैं। पार्ट थ्री में आपको लार्ज MCQs मिलेंगे और पार्ट फोर में आपको फिलअप्स मिलेंगे, जिसका थोड़ा सा जो लेवल है वो थोड़ा सा फ्लुएंट होएगी, ठीक है। जो आपकी रिकॉर्डिंग होएगी, ऑडियो होएगी, वो थोड़ी सी फ्लुएंट होएगी। सो थोड़ा सा ऐसे वाले कोई टॉपिक अच्छे से कर लेना। रीडिंग, अगर एकेडमिक के बारे में बात करें तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, फिलअप्स आपको पैसेज वन में मिल सकते हैं। पैसेज टू में आपके पास MCQs, विच पैराग्राफ कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन और समरी कंप्लीशन आ सकता है। पैसेज थ्री में आपको मैच द फॉलोइंग ब्लैंक्स, येस नो नॉट गिवन। और अगर जनरल की रीडिंग के बारे में बात करें तो पैसेज वन में ब्लैंक्स आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। पैसेज टू में चूज द करेक्ट ऑप्शन, येस नो नॉट गिवन और समरी कंप्लीशन आ सकती है। पैसेज थ्री में आपको राइट अप्रोप्रिएट लेटर और कंप्लीट द सेंटेंसेस आ सकते हैं। अगर राइटिंग टास्क वन एकेडमिक के बारे में बात करें तो प्रोसेस चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, प्रोसेस चार्ट अच्छे से कर लेना। इसकी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है, ठीक है, ये वाले ग्राफ आने की, ये वाला टास्क जो है राइटिंग टास्क वन आने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत देर हो गई है, प्रोसेस चार्ट नहीं आया। ये सारे एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। टास्क टू में जो है पॉसिबिलिटी है, कोई आपको सोसाइटी रिलेटेड टॉपिक आ सकता है या गवर्नमेंट रिलेटेड, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, एडवर्टीजमेंट, बिल्डिंग एंड हाउसेस, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, और डिस्कस बोथ व्यूज वाले टॉपिक आ सकते हैं, और डू एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस के लिए। अगर आपको आइडिया जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, जिसमें मैं रोज 3 to 4 टॉपिक्स कवर कर रही हूँ, ठीक है। आप मेरी वीडियोज चेक कर सकते हो, आपके ये आइडियाज वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आई होप दैट वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। रिमाइंडर लगा लो, 9 o'clock, शार्प 9 o'clock, 9 PM अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। रोज मैं क्लास ले रही हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स के कमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे बनता है, ठीक है। इवन मैं अपने आइडियाज़ बाद में शेयर करती हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। एक आधे घंटे में आपके जो है 3 से 4 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और आपको आइडिया जनरेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप वीडियो अच्छी लगी है, एंड इफ़ यू वॉन्ट दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मोर, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन टू गेट मोर अपडेट्स। थैंक यू।